एक तरफ योगी सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के प्रति निरंतर हर सुविधा उपलब्ध करा रही है, तो वहीं देवरिया जिले के सलीमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों के द्वारा सरकार की नीतियों का पलीता लगाते नजर आ रही हैं। आपको बताते चले कि सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को जांच करने और दवा के लिए अस्पताल से बाहर भेजा जाता है। अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज ने आरोप लगाते हुए बताया कि सलीमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अरुण कुमार के द्वारा कुछ जाँच लिखा गया था, जिसमें से एक जाँच जो अस्पताल में होने के बावजूद भी डॉक्टर अरुण कुमार साहब के द्वारा बोला गया कि ये सारा जाँच बाहर से करा लो, जबकि बीते दिनों ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था, जिसका उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम के द्वारा उसके दूसरे दिन ही डॉक्टर द्वारा ऐसा देखने को मिला, जो सरकार की नीतियों पर पलीता नजर लगाते आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? हर्षित मिश्रा। यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए थे, क्या मामला है? जैसे हमें बुखार था और सिर में दर्द था, तो अरुण कुमार जी हैं, उनके यहाँ जाँच के लिए गए हैं, तो उन्होंने बताया कि जाओ जांच करा लो, और उसके बाद से एक पर्ची दी इन्होंने। अच्छा। गणेश डिजिटल करके आए, और इन्होंने बोला कि जाओ बाहर से जांच करा के आओ। अच्छा। तो क्या ये आपने जानकारी नहीं लिया कि अंदर कोई जांच होता है क्या, जितने आपने लिखा है? मैंने बोला कि एक उनसे, जैसे कि वो मेरे से बोले कि जाँच कराओ, नहीं होगा तो बाहर से कराना, तो मैं अंदर से जाँच करा के लेके गया हूँ, उन्होंने फिर से बोला कि जाओ यहाँ से नहीं होगा, बाहर से जाँच करा के। अच्छा, मतलब अंदर के मान्य नहीं है? मान्य नहीं है इन्होंने बोला है। अच्छा, आपने और कुछ नहीं बोला उनसे? उन्होंने बोला कि जाओ बाहर से जल्दी जांच करा, बगल में है।